अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए ओपन करता हूँ मैं अपने टैग को। तो कल हमने ये टैग्स का इस्तेमाल करके HTML और एक्सटर्नल CSS के जरिए वीडियो को ऐड किया था किसके अंदर, वेबसाइट के अंदर, एक वेब पेज के अंदर। और हम सीख रहे हैं कि वेबसाइट के अंदर वीडियोस को कैसे लगा सकते हैं और उसको कैसे प्ले कर सकते हैं। आज इसी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं काम को, और इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज। नहीं जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और ये कलर मैं अपनी पिक्चर्स के, सॉरी, उसके बैक साइड पे भी लेके आऊंगा। ये हमारी प्रैक्टिस है स्टूडेंट। वैसे बेसिकली हमारा लेक्चर ये नहीं है, हमारा बेसिकली लेक्चर कुछ और है, ठीक है। और मैंने दे दी, ये काम कर दिया। अब स्टूडेंट मेरा बेसिकली हमारा लेक्चर ये है कि इसके ऊपर एक पिक्चर को लगाना। जैसे ही आप काफी सारी जगह पे देखते होंगे कि सामने पिक्चर कुछ और लगी होती है, लेकिन जैसे इसको प्ले किया जाता है उसके नीचे से वीडियोस कुछ और निकल आती है, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए आज हमने ये वाला काम करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, अब क्या करते हैं, हम इसमें आते हैं, थोड़ा सा चेंज, हॉट पिंक की जगह पे मैं कर देता हूँ बिल्कुल रेड रेड, ठीक है, इंडियन रेड। अब हमने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इसकी हाइट भी खत्म कर लेते हैं। चेंजिंग सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाई जाती है स्टूडेंट, वरना ये चीजें तो सिंपल से 1-2 मिनट के अंदर सीख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करवाई जाती है। देखिए, पहले यहाँ से ऊपर से फासला था, अब बिल्कुल फासला नहीं है, बिल्कुल ये एडजस्ट हो चुकी है अपने बॉर्डर के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने करना है इसके ऊपर पिक्चर लगानी है। हम आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ से इमेजेस का टैब ओपन करते हैं। मेरे पास A1, 2, AS1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक पिक्चर्स पड़ी हैं। ओपन कर लिया जाता है इनको, पिक्चर्स को, और देखते हैं कौन सी पिक्चर को ऐड करना है। जो पिक्चर हम बोलेंगे वही ऐड कर दी जाएगी। नहीं जी, ये पिक्चर ऐड की जाएगी आज। मैं ये पिक्चर ऐड करता हूँ, AS2। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने पास सब लाइन टेक्स्ट लिख के अंदर, ये वीडियोस के टैग के अंदर रहते हुए मैं इसको बोलता हूँ सिंपल सा पोस्टर लगा दो। और पोस्टर क्या होना चाहिए कि इमेजेस के टैग के अंदर जाए, AS2.JPG, पिक्चर को उठा लाए। ये पिक्चर हमारे पास AS2 ले दी, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, लो जी अभी तो बैकग्राउंड ही नजर आना शुरू हो चुका है, हमारी पिक्चर तो आई नहीं है। कहाँ पे गलती हुई है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्लाइस लगाना था हमने और वो नहीं लगा। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, अब ये पिक्चर मेरे पास आ चुकी है। अब लगने में तो यही है कि ये पिक्चर प्ले होगी, लेकिन जैसे हम प्ले करते हैं नीचे से हमारी वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है। इस तरह होता है कि पिक्चर लगा दी जाती है किसी भी वीडियोस के ऊपर। अब एक और चीज़ आपको सिखाता जाता हूँ, वो क्या है, वो ये है कि स्टूडेंट मैं यहाँ पे आके वीडियोस को रोकता हूँ। ये देखें, जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो ये जब ख़त्म होती है दोबारा मूव नहीं होती, दोबारा रन नहीं होती, दोबारा प्ले नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से प्ले हो और प्ले ही रहे हर वक्त जैसे ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पे इसी टैग के अंदर रहते हुए मैं सिंपल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करूँगा और मैं बोलूँगा इसको लूप लगा दो, ठीक है। लूप का मतलब ये होता है कि ये प्ले अगेन एंड अगेन हो जाए। यहाँ पे आए, छोड़ दिया। अब ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है, जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पे ये ख़त्म हुई, फिर प्ले हो गई, फिर छोड़ते हैं, जैसे ये ख़त्म होगी प्ले होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज कमेंट मैसेज कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।